नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने चैनल पे जो है हिंदी और पॉलिटी की क्लास रेगुलर वे में चल रही है। आज से एक नई क्लास स्टार्ट होने जा रही है जो कि है मैथ की, क्योंकि मैथ जो है 25 नंबर का आने वाला है, तो इसको भी हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है, तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसका इसमें चार टॉपिक में जो है सिलेबस को डिस्कस किया गया है, जो कि है सांख्यिकी, अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित। ऐसे जो है आयोग ने इसी प्रकार से सिलेबस को दिया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या एक एक टॉपिक में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। जैसे सांख्यिकी का देखते हैं हम, तो सांख्यिकी के अंतर्गत उसने जो है सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है, और जो है बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता बट्टन, सार्डियन आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता और बहुभुज दिया हुआ है। और इसमें एक टॉपिक है जो कि केंद्रीय वृत्त की माप है, इसमें माध्य माध्यिका बहुलक, ये तो हम लोग जो है छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते हैं, तो ये दे रखा है। आगे इसमें है रेखागणित, रेखागणित के अंदर भी बहुत जो है छोटा ही टॉपिक है, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है। रेखागणित में उसने दे रखा है कि पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो है क्या नाम है उसका, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे। और आगे है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल है। और इसके बाद है कि आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के परिमाप व क्षेत्रफल, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे है इसमें अगला टॉपिक है अंकगणित। क्या है अंकगणित, तो देखते हैं अंकगणित में क्या क्या पूछा जाएगा। अंकगणित में इसने तीन ही टॉपिक दिया, एक संज्ञा पद्धति है, और अगला है आपका प्रतिशत और लाभ हानि, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बीजगणित में। बीजगणित में भी बहुत ही कम है, शॉर्ट टॉपिक रखे गए हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें आपका उसने दे रखा है, तो बीजगणित में है क्या है, लघुतम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लासा मासा कहते हैं, तथा उसमें संबंध, उसके उसमें संबंध होता है ना, लासा गुड़े मासा बराबर पहली संख्या गुड़े संख्या दूसरी संख्या। तो ये है युगपत समीकरण जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये वाला, ठीक है। और द्विघात समीकरण है, और गुणनखंड व क्षेत्रफल प्रमेय, बस इतने ही टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये बहुत आराम से हम लोग इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आज जो है सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया है, कल से जो है इसकी प्रॉपर वे में क्लास चलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर से मिलता रहे। एक चीज़ और, हमारे चैनल पर पूरा जो है सिलेबस अच्छे से कवर कराया जाएगा, आप चैनल पर बने रहिए, आपको परीक्षा में बहुत लाभ होने वाला है। तो ठीक है मित्र, आज का वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल जो है एक नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग इसका शुरुआत करेंगे मैथ का अच्छे से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।